हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. मैं बायोलॉजी मंत्र. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक दैट इज फाइलोजेनी ऑफ प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, जो कि जीआईसी मेंस आश्रम पद्धति और जीआईसी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इससे क्वेश्चन जरूर आता है और इस बार भी आया था. तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको करने हैं. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको 15 मार्क्स में आ सकता है, 25 मार्क्स में भी आ सकता है, दैट इज गिव एन अकाउंट ऑफ जनरल कैरेक्टर एंड एफिनिटीज ऑफ प्रोटोथीरिया एग लेइंग मैमल्स. तो इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे कि जो क्लास मेमेलिया है वो डिवाइडेड इनटू टू सब क्लासेस में डिवाइड हुई है, जैसे कि प्रोटोथीरिया और थीरिया. इसमें इंक्लूड होता है पिरिमिटिव एगलिंग मैमल. प्रोटोथीरिया इंक्लूड्स ओनली सिंगल ऑर्डर मोनोट्रिमाटा या ऑर्निथोडेल्फिया. ऑर्निथोडेल्फिया या मोनोट्रिमाटा इसका सिंगल ऑर्डर है, ठीक है. इसके बाद इनकी जनरल कैरेक्टर्स में आ जाते हैं. सबसे पहला जो जनरल कैरेक्टर है वो हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन ये रिस्ट्रिक्टेड होली टू ऑस्ट्रेलियन रीजन में ही रिस्ट्रिक्टेड है, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलियन टेस्मेनिया. इनका जो हैबिट और हैबिटेड है वो एक्वेटिक या टेस्ट्रियल है, बरोइंग है, मेनली नॉक्टर्नल होते हैं, रात्रिचर प्राणी होते हैं, इंसेक्टिवोरस हैं, इनकम्प्लीटली वार्म ब्लडेड हैं, पूरी तरीके से वार्म ब्लडेड नहीं है, ओवीपेरस हैं और एग लेइंग मैमल्स हैं. इनका जो एक्सटर्नल फीचर है, बॉडी बहुत स्मॉल होती है, कवर्ड विद हेयर्स एंड स्पाइंस. एक्सोस्केलेटन जो है इनके इंक्लूड एपिडर्मल हॉर्नी हेयर्स होते हैं, इनके स्पाइंस होती हैं, बीक्स क्लॉज होते हैं, स्किन जो है इनकी ग्लैंडुलर होती है. इनकी जो बॉडी कैविटी है उसमें डायफ्राम होते हैं, जैसे हम लोगों में है थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए. एंडोस्केलेटन इनका डायकोंडाइलिक होता है, वर्टिबल एपिफिसिस इनडिस्टिंक्ट और एब्सेंट हो सकता है. डाइजेस्टिव सिस्टम में इसमें टीथ जो है इनके डेवलप होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जो कि रिप्लेस हो जाता है बाय हॉर्नी बीक्स इन एडल्ट्स और रेक्टम ओपन इनटू क्लोका. जो रेक्टम है वो ओपन होता है इनका क्लोका में. आगे बढ़ते हैं. आगे इनका है रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इनका पल्मोनरी होता है, बाय लंग्स के थ्रू होता है. सर्कुलेटरी सिस्टम इनका हार्ट 4-chambered है. राइट एवी वॉल इनकम्प्लीटली एंड फ्लशी होते हैं, लेकिन राइट एवी वॉल्व ट्राइकस्पिड होते हैं, जबकि हम लोगों में बाइकस्पिड होते हैं, जैसे कि मैमल्स में. कॉर्डेट एंडने एब्सेंट होता है. आरबीसी स्मॉल होते हैं, सर्कुलर होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं. एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनीज मेटानेफ्रिक होती हैं. यूरेटर डायरेक्टली ओपन होते हैं यूरिनोजेनाइटल साइनस में, जो कि टर्मिनेट होता है कॉमन क्लोका में. नर्वस सिस्टम में ब्रेन जो है बहुत ही स्मॉल, सिंपल, विदाउट कॉर्पस कैलोसम होता है, बल्कि जबकि कॉर्पस कैलोसम इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमेलियन, बट यहाँ पर कॉर्पस कैलोसम कनेक्टिंग बैंड जो है वो एब्सेंट है. ऑप्टिक लोब्स 4 होती हैं. कॉर्पोरा क्वाडी जेमनिया जिन्हें बोलते हैं. कोक्लिया जो है वो स्लाइटली बेंट होता है. अगर हम इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें तो इन मेल टेस्टिस एब्डोमिनल होती है, जबकि हम लोगों में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है. और पेनिस रिट्रैक्टाइल होता है, पासिंग आउट स्पर्म्स बट नॉट यूरिन. फीमेल में देखते हैं, अगर हम लोग फीमेल में देखें तो इनकी जो राइट ओवरी है वो रिड्यूस होती है. ओविडक्स लीड सेपरेटली इनटू क्लोका और देयर इज नो यूट्रस नहीं है, वजाइना नहीं है. डेवलपमेंट अगर हम देखें तो फीमेल ओवीपेरस हैं, एग लार्ज होते हैं, बहुत सारा योक होता है, प्लास्टिक शेल जैसी कवरिंग होती है, क्लीवेज इनका मीरोब्लास्टिक होता है, कोई यूटेराइन जेस्टेशन नहीं होता है. न्यूली हैज यंग वेरी इमेच्योर होते हैं, जो कि फेड होते हैं ऑन मिल्क इन एब्डोमिनल पाउच टिल फुली डेवलप, तब तक वहाँ पर रहते हैं. अगर हम इनकी पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक देखें प्रोटोथीरिया, जो कि 10 मार्क्स में आपका क्वेश्चन ये आ सकता है अलग से कि राइट डाउन द पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोथीरिया, तो आप लिखेंगे कि द प्रेजेंस ऑफ टार्सल स्पर मेल्स में होता है. मिल्क ग्लैंड जो है वो स्वेट ग्लैंड से डिराइव्ड है, जबकि हम लोगों में ये सीबेशियस ग्लैंड से डिराइव्ड है, ठीक है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस जैसे कि मैमल्स में होता है. देन इन अदर मैमल्स, जैसे कि मैमल्स में होता है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, इन मैमल्स विदाउट टीट्स, टीट्स नहीं होते हैं. इनकी जो एब्डोमिनल मेमोरी पाउच इन फीमेल होता है, ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन बनता है. टीथ रिप्लेस होते हैं इन एडल्ट बाय हॉर्नी प्लेट्स, अभी हम लोगों ने करा. जॉज इलोंगेटेड होते हैं, बीक बना लेते हैं, जिन्हें रोस्ट्रम भी बोलते हैं. मार्सुपियल बोन्स इनमें प्रेजेंट होती हैं. इम्परफेक्टली वार्म ब्लडेड है, विद बॉडी टेम्परेचर 25-28 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है. राइट ओवरी इनकी स्मॉलर होती है और फंक्शनलेस होती है. अगर एफिनिटीज देखें तो प्रोटोथीरिया की जो एफिनिटीज हैं वो रेप्टाइल और बर्ड से मिलती जुलती हैं, सौरोप्सिडा जिसे बोलते हैं, एंड शोइंग लिटिल एडवांस, थोड़ा सा उनसे एडवांस है, इसीलिए ये मेमेलियन रिलेटिव्स माने जाते हैं. रेप्टिलियन एफिनिटी अगर हम देखें तो ऑल दो देयर इज नो डेफिनेट कोई कनेक्टिंग लिंक, अभी तक हमें नहीं उसका कोई एविडेंस मिला है, ना ही शो हो रहा है, लेकिन फिर भी ये जो है मेमेलियन रेप्टिलियन एंसेस्ट्री को तो शो करते ही हैं. दिस व्यू इज फर्दर सपोर्टेड बाय फॉलोइंग रिजेंबलेंस बिटवीन द मोनोट्रीम्स एंड द लिविंग रेप्टाइल्स, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ क्लोका दोनों में,
स्कल विद लार्ज पेट्रोगॉइड्स एंड रिंग लाइक टिम्पेनिक बोन्स होती हैं, वर्टिब्रे विदाउट एपिफिसिस विद सर्वाइकल रिब्स होती हैं, थोरेसिक रिब्स सिंगल हेडेड होती हैं, अ मीडियम टी शेप्ड इंटर क्लेविकल जो है वो प्रेजेंट होता है इनमें। इसके आगे हम लोग अगर देखें तो जो मिडिल ईयर है कैविटी विथ थ्री ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट है, सर्वाइकल वर्टिब्रे टिपिकली 7 होती हैं, स्टर्नम जो है वो सेगमेंटेड होती हैं, अ सिलेंडर सीकम डिमार्केटेड इनटू इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, लोब्स और लीवर टिपिकली मेमेलियन है, हार्ट 4 चैम्बर्ड है, ओनली लेफ्ट एरोटिक आर्क प्रेजेंट होता है, आरबीसी स्मॉल होते हैं, सर्कुलर होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, प्रेजेंस ऑफ 4 ऑप्टिक लोब्स कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमनिया है, प्रेजेंस ऑफ मिल्क ग्लैंड सिक्रेटिंग मिल्क होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से हमने प्रोटोथीरिया कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज द डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड एफिनिटीज ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटाथीरिया करते हैं। तो इसको आप जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि सब क्लास थीरिया जो है, मेमेलिया की जो सब क्लास है थीरिया, इंक्लूड टू इंफ्रा क्लासेस होती हैं इनमें, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। तो जो सब क्लास थीरिया है उनके दो इंफ्रा क्लासेस हैं, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। मेटाथीरिया में इंक्लूड होते हैं पाउज्ड मैमल्स विदाउट ट्रू प्लेसेंटा नहीं होता है, इन सिंगल एक सिंगल ऑर्डर इनमें भी है जिसे मार्सुपीलिया बोलते हैं या डायडेल्फिया बोलते हैं। तो मेटाथीरिया इंक्लूड्स पाउज मैमल्स विदाउट ट्रू प्लेसेंटा इन सिंगल ऑर्डर मार्सुपेलिया और डायडेल्फिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखें मेटाथीरिया की, तो क्या है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन इंटायरली कन्फाइंड टू द ऑस्ट्रेलियन रीजन इनका भी है, विदाउट एनी एक्सेप्शन ऑफ अमेरिकन विद एक एक्सेप्शन है इनका, अमेरिकन ओपोसम इसका एक एक्सेप्शन है। हैबिट्स एंड हैबिटेट्स देखें तो टेरेस्ट्रियल हैं, बरोइंग है, आर्बोरियल यानी प्लांट्स में ट्रीज में रहते हैं, एंड रेयरली एक्वेटिक हैं एंड हर्बीवोरस हैं, कार्निवोरस हैं, ओमनीवोरस हैं, एयर ब्रीदिंग, वार्म ब्लडेड, विवीपेरस और पाउज्ड मैमल्स होते हैं। अगर हम इनका एक्सटर्नल फीचर देखें तो बॉडी कैविटी जो है वो सॉफ्ट हेयर से कवर्ड है, ईयर पिन्ना इनमें प्रेजेंट होता है, टेल लॉन्ग होती है, मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं विद मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, टीट्स भी होता है जबकि प्रोटोथीरिया में टीट्स नहीं प्रेजेंट था। फीमेल यूजुअली विद अ वेंट्रल एब्डोमिनल पाउच होता है जिसे मार्सुपियम बोलते हैं, इंक्लोजिंग मेमोरी निपल्स भी उनमें होते हैं। अगर हम एक्सोस्केलेटन देखें तो इट इंक्लूड्स एपिडर्मल हॉर्नी हेयर्स होते हैं इनके बाहर, क्लॉज होते हैं, स्किन जो है वो रिच ग्लैंडुलर होती है। स्किन कैसी होती है, रिच होती है और ग्लैंडुलर होती है। आगे हम लोग देखें, अगर तो आगे जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी बॉडी कैविटी देखते हैं। अगर हम बॉडी कैविटी देखें तो मस्कुलर डायफ्राम प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि आपका एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को अलग करता है। एंडोस्केलेटन देखें तो डायकोंडाइलिक है, प्रोटोथीरिया में भी डायकोंडाइलिक था। स्कल टैप टॉप फ्लैट होता है, नेसल बोन्स लार्ज होती हैं, एक्सपेंडेड होती हैं, पोस्टीरियरली लार्ज क्लेविकल प्रेजेंट होते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रे 7 है। डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो टी जनरली एक्सीड टिपिकली यूथीरियन नंबर ऑफ 44 नंबर इनका होता है, ओनली वन सेट प्रेजेंट होता है, मोनोफायोडेंट हम लोगों की तरह डायफायोडेंट नहीं है, लाइफ टाइम में एक बार ही निकलते हैं। एनस यूरिनर जेनेटल अपर्चर एक सिंगल शैलो क्लोका में जो है ओपन होते हैं, सराउंडेड बाय कॉमन स्फिंक्टर मसल्स होती हैं जो टाइट मसल्स होती हैं उससे। रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम टिपिकली मेमेलियन की तरह ही होते हैं। नर्वस सिस्टम अगर इनमें देखें तो ब्रेन जो है वो रिलेटिवली स्मॉल होता है, ऑल्फैक्टरी लोब्स लार्ज होती हैं, सेरिबल हेमिस्फेयर स्मॉल होता है, सेरिबेलम स्मॉल और एक्सपोज होते हैं, कोक्लिया ऑफ इंटरनल ईयर स्पायरली क्वाइल्ड होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें तो इन मेल्स पेनिस वेल डेवलप होता है, ऑफन बायफर्केटेड एट द टिप, टिप से बायफर्केटेड पेनिस होती है, एंड स्क्रोटल सैक कंटेनिंग टेस्टिक लाइक इन फ्रंट ऑफ पेनिस के होती है। इन फीमेल्स दो ओविडक्ट प्रेजेंट है, ओपन सेपरेटली इनटू यूरिनोजेनिटल साइनस में ओपन होती हैं, सो दैट देयर आर टू यूट्राई एंड टू वेजाइनी, उसमें यूट्रस और वेजाइना एबसेंट है, यहाँ पर दो यूट्रस और दो वेजाइना प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर डेवलपमेंट में आ जाते हैं। डेवलपमेंट फीमेल्स वीवीपेरस होती हैं, जेस्टेशन पीरियड फॉर यूटेराइन डेवलपमेंट स्मॉल होता है, 2 वीक इन ओपोसम, ये जो है डेवलपमेंट पीरियड 2 वीक होता है ओपोसम में, 5 वीक होता है कैंगरू में। अ ट्रू एलेंटोइक प्लेसेंटा इनमें प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट इन इन पेरिमिल्स, पेरिमिल्स में छोड़कर बाकी सब जगह जो है एलेंटोइक प्लेसेंटा प्रेजेंट है। यंग आर बॉर्न एक्साइटिंगली स्मॉल होते हैं, नेकेड होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, और दे आर कैप्ट इन मार्सुपियम में रहते हैं, यानी पाउच में ही रहते हैं, मेमेलियन जो पाउच है उनका वेंट्रल साइड पे, नरिश्ड ऑन मिल्क अंटिल फुली फॉर्म्ड
एंड देयर आफ्टर स्मॉल यंग जो है वो रिट्रीट टू मार्सुपियल फॉर शेल्टर, उसके बाद मार्सुपियम से शेल्टर से निकल जाते हैं. तो ये हम लोग करते हैं. आगे हम एफिनिटीज देख लें तो मेटाथीरिया की जो एफिनिटीज हैं शोज अ मिक्सचर ऑफ पिरीमिटिव और एडवांस कैरेक्टर को शो करता है. एफिनिटी अगर प्रोटोथीरिया की देखें तो दे हैव सर्टन पिरीमिटिव कैरेक्टर्स होते हैं ऑल्सो फाउंड इन प्रोटोथीरिया, सच एज प्रेजेंस ऑफ क्लोका हो गया, प्रेजेंस ऑफ क्लेविकल और एपी पब्लिक जो बोन है वो है रिंग लाइक टिम्पेनिक होती है, एब्सेंस ऑफ टिम्पेनिक बुला, ब्रेन रिलेटिवली स्मॉल होता है विद लार्ज और फैक्ट्री लोब्स एंड विदाउट कॉर्पस कैलसम दोनों में है, एब्सेंस ऑफ ट्रू एलेंटॉइड प्लेसेंटा दोनों में है. अब हम डिफरेंस बिटवीन मेटाथीरिया एंड प्रोटोथीरिया डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में क्या है. मेटाथीरियन डिफर फ्रॉम प्रोटोथीरियन मेनली इन बींग विवीपेरस, वो ओवीपेरस थे ये विवीपेरस थे, हैविंग इनमें परमानेंट मार्सुपियल पाउच होता है, टीट्स होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, वेल डेवलप्ड एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, वर्टिब्रे विद एपिफिसेस होते हैं, रिब्स जो हैं ये इनकी बायसिफेलस होती हैं, नो इंटरक्लेविकल एंड सेपरेट कोरकॉइड्स, टीथ जो है एडल्ट में प्रेजेंट होते हैं, क्लोका जो है इनका स्पायरली क्वाइल्ड होता है, पेनिस बाइफिड होती हैं, टेस्टिस स्क्रोटल सैक में होती हैं, यूटेराइन जेस्टेशन होता है और वीवीपैरिटी होता है. ये देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इनकी निकल कर आ रही है. ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को मेटाथीरिया का आपका 10 मार्क्स में आता है तो यू कैन राइट दिस ऑल्सो. एफिनिटी विद यूथीरिया, यूथीरिया से क्या एफिनिटी है. मेटाथीरिया पॉजेस मैनी एडवांस कैरेक्टर्स भी होते हैं सिमिलर टू यूथीरियन, जो जिन्हें हायर प्लेसेंटल मैमल्स भी बोला जाता है, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ हेयर एंड एक्सटर्नल ईयर्स, मेमोरी ग्लैंड सिबेशियस होती हैं विद टीट्स होते हैं, ब्रेन विद 4 ऑप्टिक लोब्स हैं, कोकलिया स्पायरली क्वेल्ड है जैसे कि मैमल में भी, टिपिकल मैमल में भी होता है, क्रोकाइड रिड्यूस होते हैं, इंटरक्लेविकल एब्सेंट होते हैं, रिब्स बायसिफेलस हैं, टीथ हेट्रोडोंट हैं. तो देखा जाए तो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक आपकी मिलती हैं मैमल से, हाईली एडवांस कैरेक्टर. और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जैसे कि मेल्स जो हैं वो उनमें पेनिस होता है, टेस्टिस इन स्क्रोटल सैक होते हैं, प्रेजेंस ऑफ यूट्रस और वेजाइना प्रेजेंट है, फीमेल वीवीपेरस ओवा स्मॉल होते हैं, योकलेस होते हैं, यूटेराइन जेस्टेशन और प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है. अब हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटाथीरियन एंड यूथीरियन. देखिए, हाउएवर मेटाथीरियन डिफर फ्रॉम यूथीरियन मेनली इन रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन से, तो डिफर है ही है, वो ऑस्ट्रेलिया है, वो ऑल ओवर जगह वर्ल्ड में है, हैविंग शैलो क्लोका, मार्सुपियल पाउच प्रेजेंट है, फ्लैट स्मॉल क्रेनियम होता है, नो टिम्पेनिंग एपिपिबिक बोन्स होती हैं, पैलेट जो है इनका पेरफोरेटेड और मोर इंसीजर्स होते हैं इन बोथ द जॉस, कॉर्पस कैलसम इन ब्रेन एबसेंट है जबकि यूथीरियन में प्रेजेंट होता है, 2 यूट्रस हैं, 2 वजाइना है, बाइफिट पेनिस होता है, स्क्रोटल सैक इन फ्रंट ऑफ पेनिस प्रेजेंट होता है, जेस्टेशन पीरियड स्मॉल होता है, नो ट्रू एलेंटोइक प्लेसेंटा. तो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक मेटाथीरियन की है जो कि यूथीरियन में नहीं पाई जाती है. अगर हम सिस्टमैटिक पोजिशन ऑफ मेटाथीरिया की बोलें तो इट इज ऑब्वियस दैट मेटाथीरियन आर मोर एडवांस्ड हैं देन द पिरामिड से ज्यादा एडवांस हैं, रेप्टाइल लाइक ओवीपेरस प्रोटोथीरिया दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड हैं विद द यूथीरियन से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं, बट डू नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रेड ऑफ इवोल्यूशन को बिलोंग नहीं करते हैं, देयरफॉर दे आर पुट अंडर अ सेपरेट इंफ्रा क्लास में पुट किया गया है मेटाथीरिया, वाइल द रेस्ट ऑफ द हायर एंड ट्रूली प्लेसेंटल मैमल्स आर प्लेस इन द इंफ्रा क्लास, यूथीरिया एंड बोथ कंबाइंड इन द सब क्लास थीरिया, यूथीरिया और मेटाथीरिया दोनों को कंबाइंड करके आपका रखा गया है थीरिया में. ठीक है, अब आप आ जाएं दूसरी जो कैरेक्टर सीखें, प्लेसेंटल मैमल्स जो हैं इंफ्रा क्लास यूथीरिया में रखा गया है, ऑल यूथीरियन आर प्लेसेंटल मैमल्स हैं, ये हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक यूथीरिया का कर रहे हैं. प्लेसेंटल मैमल्स, द यूथीरियन फीटस इज फेड ड्यूरिंग जेस्टेशन बाय द प्लेसेंटा से होता है, यूथीरियन आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन यूथीरियन बाय वेरियस फिनोटिपिक ट्रेट्स होते हैं, फीट, एंकल, जॉस, टीथ, इन सबसे इनको अलग किया जा सकता है, इनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ऑल एक्सटेंट यूथीरियन लैक एपीपीबिक बोन्स लैक होती हैं जो कि आपकी मेटाथीरिया में प्रेजेंट थी, विच आर प्रेजेंट ऑल अदर लिविंग मैमल मार्सुपियल और मोनोट्रीम्स दोनों में प्रेजेंट थी, दिस अलाउ फॉर एक्सपेंशन ऑफ द एब्डोमिनल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. और यूथीरियन जो हैं वो भी विवीपेरस होते हैं, यूथीरियन आर डिफर फ्रॉम अदर मैमल्स ग्रुप सच एज मोनोट्रीम्स एंड मार्सुपियल विच आर नॉट प्लेसेंटल, जो कि प्लेसेंटल नहीं है. तो अब हम लोग डिफ्रेंशिएट देख लेते हैं इन लोगों का कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है. प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, विवीथीरिया, ये ओवीपेरस हैं प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, विवीपेरस, यूथीरिया, विवीपेरस. जो प्रोटोथीरिया है ईयर डिवॉइड ऑफ पिन्ना होता है, मेटाथीरिया ईयर पॉजेस अ पिन्ना, यूथीरिया पिन्ना इज प्रेजेंट एक्सेप्ट इन एक्विटिक फॉर्म्स. स्क्रॉटम जो है वो एब्सेंट होता है मेल में प्रोटोथीरिया में, मेटाथीरिया में स्क्रॉटम इज प्रेजेंट बट इन फ्रंट ऑफ पेनिस होता है, यूथीरिया में द स्क्रॉटम इज प्रेजेंट ऑन द साइड्स और बिहाइंड द पेनिस होता है.
अगर हम प्रोटोथीरिया आगे कैरेक्टरिस्टिक देखें तो वजाइना एंड यूट्रस इनमें एब्सेंट होता है प्रोटोथीरिया में। मेटाथीरिया में बोथ वजाइना एंड यूट्रस डबल होते हैं, दो होते हैं। यूथीरिया में वन वजाइना एंड वन यूट्रस होता है। निप्पल्स इनमें एब्सेंट होते हैं, यानी टीट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं ओवर मेमरी ग्लैंड के ऊपर। निप्पल्स इनमें प्रेजेंट, टीट्स आर प्रेजेंट, निप्पल्स आर प्रेजेंट, यूथीरिया में भी प्रेजेंट। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। इससे बाहर आपका चाहे यूपीपीएससी का एग्जाम हो जूलॉजी का, चाहे आपका जीआईसी हो, चाहे जीआईसी आश्रम पद्धति हो, या अदर लेवल ऑफ पीसीएस एग्जाम्स हो, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया के लॉन्ग क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं आएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। एंड इसे आप आगे फर्दर जो है आगे भेजते रहिए ताकि और भी लोगों को इसका जो है लाभ मिल सके, क्योंकि ये फ्री चैनल है, इसमें मैं कोई भी पैसा नहीं ले रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ पीडीएफ के लिए भी। सो ऑल द बेस्ट।